फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक है, तो देखिएगा क्या कह रहा है। एज एंड एक्सपीरियंस डैश हेलो विजडम प्यारे टू मैन, दोस्तों, कैसे हैं ठीक आप सब है, लोग। एज मैं एंड आकांक्षा एक्सपीरियंस कुमार विजडम आपका लाता स्वागत है करती मैन हूं के अपने लिए। ऑफिशियल तो चैनल पे जनरल जिसका नाम स्टेटमेंट है है इंग्लिश बाय फैक्ट, ठीक आकांक्षा है, मैम। और तो बताओ भाई गाइज अगर जनरल चैनल को अभी स्टेटमेंट तक या सब्सक्राइब फैक्ट जो नहीं होते हैं किया वो है कौन तो सी चैनल डेंस को में लिखे सब्सक्राइब कर जाते हैं। लीजिए, बेल तो आइकन को गाइज जरूर यार ऑन प्रेस कर क्वेश्चन दीजिएगा नंबर जिससे कि 18 आपको जल्दी से आंसर सारे बताइए नोटिफिकेशन हर एक इसका। सेशन के टाइम पे मिल पाए। और गाइज गाइज अगेन दूसरी 6 PM इम्पोर्टेंट पे चीज, अन कई बार ऐसा अकेडमी पे होता हम लोग है वोकैब यूट्यूब क्विज आपको के लिए सारे मिलेंगे, नोटिफिकेशन नहीं भेज वोकैब पाता क्विज है, जो तो सारे बेस्ड होगा रूट नोटिफिकेशन के वर्ड्स लिए पे बेस्ड होगा सारी गाइज पीडीएफ ध्यान के लिए रखो, और क्विज इट वुड जितने बी भी बेस्ड होते ऑन हैं रूट चाहे वो वर्ड्स, तो प्लीज टेलीग्राम रूट पे में हो मत रहे हैं चाहे वो भूलिएगा। अनअकैडमी पे आइए हो रहे हैं, आंसर आपको देखिएगा मेरा क्या होना टेलीग्राम ग्रुप चाहिए। ज्वाइन कर लेना सिंपल है जिससे प्रेजेंट टेंस आपको में सब जाते हैं जो हमारे चीजों जनरल की डिटेल, स्टेटमेंट या सब ट्रुथ चीजों के होता है नोटिफिकेशन वो टाइम पे मिल सिंपल पाए। तो प्रेजेंट ग्रुप आप टेंस में इजीली चला सर्च कर जाता सकते हो, है चाहे गाइज टेलीग्राम ध्यान पे आप सर्च रखना। करिए इंग्लिश बाय चलिए तो आकांक्षा शुरू कुमार, करते हैं नेक्स्ट आकांक्षा की क्वेश्चन स्पेलिंग अपना। ए के ए एन देखिएगा के ही एस एच ड्रो ए फ्रॉम के यू एम ए महाराष्ट्र आर। डैश तो गाइज कर्नाटका, इसको आपको तो सर्च एक करना है और पॉइंट आपको से मेरे दूसरी टेलीग्राम जगह ग्रुप मिल पॉइंट पे जाएंगे, जाने वहां के पे लिए हम आपको कौन द सा हिंदू प्रीपोजिशन न्यूज़पेपर, यूज वहां से करते हैं इंपॉर्टेंट विदाउट आर्टिकल्स, स्टॉपिंग द थ्रू हिंदू से रेस्ट, क्लियर हो वोकैबलरी, रही सारे होगा नोटिफिकेशन, जो क्विज, सब महाराष्ट्र से चीज लेके बिल्कुल कर्नाटका आराम से तक मिल चला जाएगी। गया। आपको आज तो ही गाइज ज्वाइन आंसर करना है बताइएगा मेरा व्हाट शुड बी द टेलीग्राम राइट ग्रुप। आंसर ऑप्शन तो एंड गाइज प्लीज जैसा लाइक एंड कि हम शेयर लोग दी इंपॉर्टेंट सेशन वर्ड एंड पार्ट डू नॉट वन कर फॉरगेट टू चुके हैं, सब्सक्राइब जहाँ दी पे हम चैनल, लोग चैनल हर एक सब्सक्राइब कॉम्पिटेटिव जरूर कर एग्जाम्स के लिए लीजिएगा। कुछ ऐसे यस वर्ड्स पढ़ एक रहे हैं जगह जो कि से आपको दूसरी जगह जानने जाने के लिए जरूरी हम है। अगर खुद का आप किसी यूज भी करते एग्जाम हैं, के लिए वेरी गुड गाइज, पढ़ वेरी रहे हो, गुड। तैयारी कर आइए रहे हो, आप एक नेक्स्ट कॉम्पिटेटिव देखिएगा, एग्जाम 15th क्वेश्चन, एस्पिरेंट्स इफ यू हो, गवर्नमेंट लिटर, एग्जाम की, अगर चाहे आप क्लैट लिटर की, करोगे चाहे तो इफ कैट लिखा की, हुआ है तो इफ के गाइज साथ ये यहाँ पे सारे दो वर्ड आपके लिए कंडीशंस इंपॉर्टेंट बताई हो थी, जाते हैं। तो इफ उसी के का साथ पार्ट दो टू मैं आपके लिए आज कंडीशंस लेके लगती आई हूँ। हैं तो तो लेटेस्ट इफ यू स्टार्ट लिटर विद दी पार्ट डैश टू, टू इस तरह पे के अ हम लोगों फाइन ने और अभी आपको पांच फाइन सेशन पे प्लान करना करे हैं। पड़ेगा, अगर ठीक चीजें है। बढ़िया तो चलती रही तो गाइज आगे आप के सेशंस ध्यान भी रख हम लोग लो, प्लान अगर करेंगे इफ के साथ अकॉर्डिंगली। कोई चीज तो चलिए पास्ट की गाइज बात पार्ट हो रही टू है तो शुरू हम करते हैं। हैड का आज का यूज पहला करते हैं, वर्ड जो हम अगर पढ़ेंगे कोई दैट चीज इज फ्यूचर स्टैश। की बात हो रही है स्टैश तो एक हम लोग नाउन विल होता का है यूज जिसका करेंगे, मतलब ठीक होता है, है दो ही छिपने तरह की की जगह। चीज लगती और है। आप देखिए अगर मैंने तुम आपको लिटर एक यहाँ करोगे, पे अगर तुम गंदगी फैलाओगे बेसिकली तुम्हें यहाँ क्या पे आई करना हैव गिवन पड़ेगा, यू तुम्हें अ फाइन पिक्चर देना ऑल्सो, जिससे आप पड़ेगा। जब इस पीडीएफ तो को गाइज पढ़ेंगे कम से आंसर कम इस देखो क्या सेशन को होना दो बार चाहिए, देखिएगा और 20th इस का पीडीएफ को दो बार विल रिवाइज आना करिएगा। चाहिए, विल आपको हैव आराम टू पे से एक पीडीएफ फाइन, से कम ठीक से है, विल कम हैव 150 टू वर्ड्स पे याद हो फाइन, जाएंगे, क्योंकि विल हैड एक नहीं मास्टर आएगा, वर्ड वुड तो हैव आपके पास नहीं हर एक आएगा, स्लाइड में गाइज है ही, ध्यान उसके रखो। साथ कम से कम आंसर तीन शुड से बी चार विल हैव, एंटोनिम और तीन वेरी से गुड चार वेरी गुड। सिनोनिम भी तो यहाँ पे दिए आर्यन गए हैं। ये जो है स्टैश ये नाउन होता है कंडीशनल छिपने की सेंटेंस जगह, तो अ है बट स्टोर यहाँ और पे सप्लाई ऑफ कंडीशन ध्यान समथिंग, रखो, या तो टिपिकली हैड वन दैट आएगा इज या विल कीपिंग, आएगा तो हिडन और और इसके अलावा सीक्रेट। जैसे कुछ नहीं आर्बरी आएगा। होती है, चलिए पहले के आगे राजा चलते हैं महाराजा क्या करते भाई, थे, तो अपना टेलीग्राम ज्वाइन खजाना कर छुपा लेना के अगर रख दिया आपको करते इस थे, तो वो सेशन की चीज यहाँ पीडीएफ पे रखी चाहिए जाती प्लीज थी, वो ज्वाइन दी स्टैश कहलाती टेलीग्राम, ठीक है। थी। इसके अलावा कैशे भी अभी रिजर्वॉयर्स, मॉर्निंग में मैंने स्टॉक एक और सेशन प्रोविजंस लिया इसके है आपके सिनोनिम्स लिए हैं, डिस्कार्ड, जिसमें डम, हम लोगों ने जेटिसन, रिलिंक्विश डिस्कस और करी थी काफी डिसिपेट, सारी इसके चीजें, तो एंटोनिम वो है। सेशन भी आप एंटोनिम देख मतलब सकते किसी हो। चीज को छोड़ उसके देना, अलावा कोई गाइज चीज अब जिसको कल आप आपके लिए एक ओपनली छोड़ सेशन देते आने हो, वाला जिसका है आपको कोई भी जिसमें यूज हम लोग नहीं होमोफोन्स होता करने है। वाले हैं, जिसमें नेक्स्ट क्या वर्ड यहाँ करने पे वाले हैं हम स्टीयर, लोग जो कि वर्ब होमोफोन्स होता करने है वाले हैं रास्ते पे गाइज ध्यान लाना, गाइड रखना। करना, गाइड द होमोफोन्स मूवमेंट करने ऑफ, वाले हैं, और अभी पोस्ट मैंने ऑफ। आपके तो लिए गाइड फोबिया करने का एक वाली सेशन चीज आज या किया था। किसी को आइए गाइड गाइज करना, हम लोगों स्टीयर के या पास स्टीयरिंग होता है, जैसे आ चुका स्टीयरिंग है व्हील होता ये है वो गाइड क्लॉथ करता है कि टेस्ट, तो आपकी क्लॉथ गाड़ी किस टेस्ट तरफ पढ़ लीजिए जाएगी। और जैसा तो आपको इसके पता है ये सिनोनिम सब आपके चीजें सामने आपको लिखी हुई है, ढूंढनी गाइड, होती हैं। गाइड, स्कॉट, टोन, शेफर्ड, थीम और टेंस, मार्शल तो और ढूंढना हॉर्न। शुरू करिए तो शेफर्ड टोन वो होता है थीम चरवाहा जो और टेंस, गाय तो जल्दी भैंसों से को गाइज बकरियों ढूंढिए को और सही रास्ते बताइए पे ले क्या जाता है होना कि वो चाहिए राइट चर आंसर सकें, ऑप्शन चारे को इसका। चर सकें और अपने सही जगह पर पहुंच जाएं। जबकि अबंडेंट, अबंडेंट, अश्योर, फडल और ट्रेल, इसका मतलब होता है किसी चीज को ऐसे ही खुले में छोड़ देना, उसकी कोई भी जिसकी राह नहीं पढ़ लें होती तो है प्लीज वो चीजें ओके लिख अश्योर दीजिएगा, कहलाती प्लीज हैं। ओके लिख तो गाइज दीजिएगा आई वंस यू होप ये आर दोनों वर्ड डन समझ विद में द आए होंगे। रीडिंग, तो प्लीज चैनल को राइट सब्सक्राइब ओके और नहीं किया प्लीज है तो राइट यस सब्सक्राइब फॉर कर द दीजिए, राइट लाइक और स्टार्टअप शेयर विद दी जरूर कर क्वेश्चन। दीजिए सेशन, जिससे सारे बच्चों के पास ये सेशन पहुंच जाए। थर्ड वर्ड की तरफ चलते हैं, सेम्बलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी पूछा जाता है एंटोनिम सिनोनिम में। एक ये नाउन होता है जिसका मतलब होता है दिखावा, द आउटवर्ड अपियरेंस और अपेरेंट फॉर्म ऑफ समथिंग स्पेशली वेन रियालिटी इज डिफरेंट। कहते हैं ना ये तो टू फेस्ड है, इसके दिल में कुछ और होता है और इसके मुंह पे कुछ और होता है, तो वो क्या होता है, सेम्बलेंस होता है, जब आप अपने अंदर की इमोशंस को छुपा लेते हैं और कुछ और प्रिटेंड करते हैं। तो चलिए अपियरेंस, आगे शो, चलते हैं भाई। फैकेट, फैसेट और विनियर, पेरेंट ये टेंड सारे टू क्या होते हैं, स्पॉइल ये देयर सारे इसके ओन किड्स सिनोनिम हैं। ओन दांत चिल्ड्रन जब ईदर खराब हो बाय जाते हैं तो ओवर उसकी जगह इंटेलिजेंस उनके जो साथ ज्यादा इंडल्ज हो आर्टिफिशियल जाते हैं टूथ हम और लोग बाय लगाते हैं वो डेप्रिवेशन विनियर।
पुअर, इम्पोवरिश, अच्छा डिप्राइव्ड, ऑप्शन ये है, सारे टर्निंग मतलब टर्न पेनीलेस, लेना ये टूट सारे इसके जाना, तो एंडोनिम होते हैं। चेंजिंग ये भी हो फ्रेजल सकता, वर्ब की टर्निंग भी तरह हो भी सकता, यूज होता है, रिमूवल वेल नहीं हो ऑफ, सकता, मतलब शिफ्टिंग, ऐसे बोलते कि हैं आई आप एम क्या वेल कर रहे ऑफ हो उनको एंड बता आई रहे हो कि डोंट हैव आई टू वांट टू हेल्प ऑफ माई सेल्फिशनेस से रिलेटिव शिफ्ट नाउ होना अडेज। है, हूँ मैं बिल्कुल वेल ऑफ हूँ और मुझे अपने शेयरिंग, रिलेटिव ठीक तरह है, तो शिफ्टिंग हो कोई जाएगा हेल्प यहाँ पे, नहीं टर्निंग चाहिए। नहीं होगा, नेक्स्ट टर्निंग वर्ड मतलब इज घूम जाना होता है, पोर्ट तो घूम एंड। जाना आंसर पोर्ट नहीं एंड एक होगा। वर्ब होता तो है, इसका मतलब कामिनी होता है संकेत आर्यन देना, बेसिकली दिलखुश, वार्निंग हो दिलखुश या ने बिल्कुल कोई सही जवाब दिया है, आपदा जब आने अच्छा वाली नहीं होती है दिलखुश उसके ने जो भी गलत संकेत जवाब मिलते दिया हैं है, उसको शिफ्टिंग हम आंसर पोर्ट एंड होगा बोलते कि हैं। वो शिफ्ट टू बी कर अ रहा है साइन और अ सेल्फिशनेस वार्निंग से दैट किस की तरफ इज लाइकली टू शेयरिंग की हैपन, जो तरफ। आगे हो आइए, सकता है, वो फ्रॉम चीजें जो लर्निंग टू मोमेंटस डैश बहुत विद जल्दी हो सकती हैं डेप्रिवेशन और एंड कैलामिटीज, डिसअपॉइंटमेंट, तो कैलामिटी से देखो भाई रिलेटेड क्या है, होना आपदा से चाहिए, रिलेटेड है। तो लर्निंग किसी टू चीज के बारे डैश में प्रेडिक्ट करना, विद इंडिकेट करना, लर्निंग ऑगर, से क्या फॉरस्टेल, करना है, लर्निंग हर्डल, से वो सिग्नल कहाँ कर जाना देना, तो चाहिए, बेसिकली प्रेडिक्ट डेप्रिवेशन करना, और आगे डिसअपॉइंटमेंट को बताना, डील सिग्नल करना चाहिए करना, उसको। इंकलिंग करना, तो गाइस पोर्ट देखो एंड विद के कैलाफ साथ है। हम कौन सा जबकि वो वर्ड यूज चीजें जो करेंगे, नेग्लिजिए जल्दी से होती हैं, देखो, जो विद के चीजें साथ फोकस्ड कौन होती सा हैं, वर्ड यूज कैलकुलेटिव होती होगा, हैं, जल्दी से अश्योर है बताइए। ना, ऑब्लिवियस, जो चीजें बिल्कुल बिल्कुल तो देखो ऑब्वियस होती कोप हैं अप गाइस, विद, ध्यान ऐसा रखो, कुछ नहीं होता, ओवर्ट पूरा होती नहीं हैं, होता है, वो सारी कोप अप विद, चीजें एडजस्ट एंटोनिम विद हो होती हैं। सकता एक जगह है, आप फाइट संकेत दे विद रहे हो हो कि ये सकता चीज है, हो बट ये सकती है, नेगेटिव दूसरी जगह टर्म है, आप तो इनसे श्योर क्या हो कि किया कोई चीज जाएगा, कोप बिल्कुल किया होगी जाएगा, ही होगी, तो कोप विद ओवर्ड, होना ऑब्वियस, चाहिए, श्योर, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटिव, कोप ये विद, सारे इसके कोप अप एंटोनिम नहीं हो गए। होता है, ठीक है, ये सिक्स कोप वर्ड आपके विद ही सामने, होता अगेन है, कोप इंपॉर्टेंट विद, वर्ड काफी कोप पूछा विद जाता है, किसी मतलब किसी चीज को मिसकंस्ट्यू, ओवरकम कर लेना, मिसकंस्ट्रक्ट नहीं तो है, अगर ये आप कोप अप मिसकंस्ट्यू पढ़ते है, हुए आ रहे हो वर्ब या होता कोप है जिसका अप मतलब होता आपने है सुना गलत है, तो समझना, कोप अप जैसा गलत कुछ नहीं होता। इंटरप्रेट करना हाय है ना, धीरज, गलत कैसे हो, अंडरस्टैंड करना, चलिए नेक्स्ट इंटरप्रिटेड देखिएगा, अ नेक्स्ट पर्सन वर्ड देखिएगा, और एक्शन विद रॉन्गली, जब आप डेप्रीवेशन किसी एंड के एक्शन और डिसअपॉइंटमेंट वर्ड एंड को लर्निंग रॉन्ग टू डैश इंटरप्रिटेट फेलियर। करते हो, और जब भैया आप वो उसको क्या करता है, मिसअंडरस्टूड लर्न करते करता हो, है कि मिसअंडरस्टूड कैसे करते हो, आप कोप मिसइंटरप्रेट कर करते पाए हो, तो वो डेप्रीवेशन चीज से क्या और कहलाती है, डिसअपॉइंटमेंट से एंड लर्निंग मिसकंस्ट्यूर टू कहलाती डैश है। जबकि फेलियर। और अप्रेल फेलियर कर को क्या लेना, करें, या तो एक्सेप्ट अप्रिशिएट करना पड़ता करना, है या फेलियर कॉम्प्रिहेंड कर को, लेना, फेलियर ग्रैप्स से कर लेना, आगे या निकलना होता है, तो दोनों में अंडरस्टैंड से कर अगर कोई लेना, ओ किसी एक चीज को जैसा भली वर्ड है भांति यहाँ पे, तो समझ गाइस लेना, ये आंसर क्या बता दो होता क्या है, होना ये चाहिए। एंटोनिम हो जाते हैं। जैसे तो देखो यहाँ पे फॉरगेट ये फेलियर तो दोनों नहीं हो ही सकता, मिसकंस्ट्यूर एंड कर रहे रिमूव हैं, फेलियर ये भी छह नहीं हो बोल रहा है और सकता, ये नौ और बोल रहा है, और ये एलिमिनेट कुछ भी हो फेलियर भी सकता नहीं है, हो इट इज अ सकता, पॉइंट ऑफ फेलियर को ओपिनियन, हमेशा ठीक है, तो ओवरकम किया ये दूसरे जाता है की कि बात आप को नहीं उसको ना समझ रहे हैं, भुला तो के गलत आगे समझ बढ़ के आप जाते इस हो, तो बात को, ओवरकम दैट इज फेलियर। आगे मिसकंस्ट्यूड। देखिएगा चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉटर, सिंस डॉटर ब्रेकिंग अ अगेन टॉय एंड वर्ब होता फॉरगेटिंग है, अ डगमगा होमवर्क, जाना, ठीक है, स्टम्बल असाइनमेंट सुना आर होगा आपने, डैश शैम्बल सीरियस सुना देन होगा ब्रेकिंग आपने, मैरिज उसी और का सिनोनिम फॉरगेटिंग टू होता है ये प्रिपेयर फॉर ट्रम्बल करियर और टॉटर, एडवांसमेंट, टिपिकली क्योंकि बिकॉज ऑफ छोटे दी बच्चे ओल्ड तो एज, जल्दी ठीक सीख है, लेते हैं, और तो यहाँ भाई पे तो मैंने कोई बच्चा टॉय को लगाया तोड़ है, देना और बट ये अपना बुड्ढे जब असाइनमेंट भूल डगमगा जाना, जाते हैं, जहाँ भाई आप जब जो चलते है कि चलते वो कम सीरियस डगमगा होता जाते है हो, तो दैट शादी इज तोड़ने डॉटर, से, या फबल फिर शैम्बल अपना फ्लैटर, करियर के लिए स्टैगर आपने कुछ स्वे बचा के ही और नहीं रखा स्टैम्बल, इसके उसके लिए, तो सिनोनिम देखो है, भाई इनका यहाँ पे मतलब क्या होता है आना चाहिए, डगमगा कौन जाना, सी वॉक बिल्ली विथ यूज करेंगे हैवी हम लोग, फुट, ठीक है, देखिएगा, ठीक, जब तो आप भाई भरे टॉय हुए तो पैरों होना से इज चलते फार हो और बेटर गिर तो होना जाते नहीं हो, है चाहिए, ना, सो फार दैट इज मोर भी कॉल्ड नहीं होना डॉटर, चाहिए, और इसके तो एंटोनिम सीरियस क्या के होंगे, साथ, क्योंकि स्टडी सीरियस फिक्स ऑलरेडी होल्ड लिखा टू द हुआ है तो मेन, वर्ड्स जब लगाएंगे आप नहीं हम फर्म लोग, होते हो, फार स्ट्रांग होते हो, लेसर, स्ट्रेंथन होते हो, तो अडिग फार होते हो, तो लेस वो सारे सीरियस देन स्टडी ब्रेकिंग अ फिक्स मैरिज, तो हो कह रहा रही है है, सारे टॉय इसके तोड़ना एंटोनिम हो और गए। अपना होमवर्क भूल नेक्स्ट वर्ड, जाना कम एट वर्ड, सीरियस है अगेन देन अच्छा ब्रेकिंग वर्ड है, मैरिज अगैप, अगैप एंड होता है, फॉरगेटिंग टू एग्जेक्टिव, प्रिपेयर फॉर करियर मोचक्का, एडवांसमेंट, तो एस्टोनिश, ठीक फार है, लेस, कामिनी वेरी एस्टोनिश, गुड। शॉकिंग, आइए सरप्राइजिंग, ये सारे नेक्स्ट इसके देखिएगा, सिनोनिम हो बट सकते डैश हैं। ऑफ अ डेप्रिवेशन पर्सन्स माउथ, एज पर्सन इज के माउथ के कॉमन लिए इन होता है, जब अंडर मुंह खुला प्रिविलेज्ड का खुला रह फैमिली जाता है, लीव्स वाइड ओपन इन मैनी सरप्राइज चिल्ड्रन और वंडर, स्टफ द एज किसी ऑफ चीज को देख के पर्सनल आप जब भौचक्के रह ग्रेटिफिकेशन, जाते हो, कह आपका रहा है मुंह कि खुला बहुत हुआ रह ज्यादा जाता है, तो दैट डेप्रिवेशन, इज क्योंकि कॉल्ड माँ बापों को काम अ पे जाना पड़ता गेन, है, बहुत सारे ठीक है, बच्चे हो जाते एक्सपेक्टेंट, हैं, वो चाहते नहीं है एंटिसिपेट, बच्चे फिर भी बच्चे हो एंटिसिपेटरी, जाते हैं, एंथुजियास्टिक, उन ये बच्चों सारे को इसके सिनोनिम डेप्रिवेशन, होते हैं, डेप्रिवेशन मतलब जबकि स्टोइक, अकेलापन से एपेथेटिक, जूझने पड़ता है, वो डिफरेंट, अंडर प्रिविलेज्ड अनकंसर्न, फैमिली में होता है लैक ऑफ जहाँ पे एनर्जी ज्यादा इसके पैसा एंटोनिम नहीं हो सकते होता, हैं। इकोनॉमिक तो कंडीशन गाइस, ये खराब एट होती है, वर्ड्स ऐसे थे जो बच्चों को आपको अगर वो समझ में एक आ गए अधर हैं, तो वाली जल्दी स्थिति से में थम्स अप दे छोड़ दीजिए, देता है, तो फिर हम गाइस आगे कौन सा चलते हैं, ठीक डेप्रिवेशन है, होगा, सेशन को तो शेयर मच कर और वेरी तो दीजिएगा हुआ ही जल्द मुझसे, से, और गाइस चैनल ध्यान को सब्सक्राइब रखिएगा, करना मत मच और भूलिएगा। वेरी यहाँ पे एंड गाइस, बिल्कुल आप भी मेरा सही वर्ड टेलीग्राम नहीं ज्वाइन है, कर सकते हो या फॉर तो ऑल दी एग्जॉस्टिव पीडीएफ्स होगा या एंड फिर क्विज एट एक्सेसिव होगा, 9:30 PM, यस, द तो ज्वाइन आंसर शुड बी टुडे, ज्वाइन एक्सेसिव, नाउ बहुत ज्यादा माई टेलीग्राम डेप्रिवेशन चैनल दैट इज से प्लेस्ड बच्चा बाय बिल्कुल एकदम आकांक्षा कुमार। खराब हो जाता है, आइए, अधर में रह तो टोटल जाता है,
जुड़ना जबकि मत इसके उल्टे भूलिएगा सेवन कंटेंट पी एम और पे भी। रिकॉर्ड भी हो आतिफ सकते क्यू हैं। सर अफ्रंट आपको मॉक अगेन टेस्ट इम्पोर्टेंट कराएंगे वर्ड है यहाँ पे, जिसका तो मतलब गाइस होता है चैनल इन्फर्ट सब्सक्राइब कर देना। लीजिए अभी तक आइए सब्सक्राइब गाइस, नहीं टेंथ किया है जो तो, वर्ड है हमारा और दैट इज बेल आइकन को पेट्यूलेंट जरूर एडजेक्टिव हिट कर होता है जिसका दीजिएगा मतलब होता है जिससे चिड़चिड़ा नोटिफिकेशन मिलता है। और अगर इरिटेटेड, गाइस ठीक है, आपको सेशन इजीली अच्छा लगा है इरिटेटेड तो और प्लीज लाइक अनॉयड, एंड जो लोग शेयर दी आराम से सेशन चिड़ जाते एंड हैं डू उनको नॉट हम फॉरगेट टू पेट्यूलेंट कॉमेंट ऑन बोलते दी हैं। सेशन के इसके सेशन सिनोनिम कैसा लगा लिखिएगा, आपको। सारे वर्ड तो ही अच्छे गाइस हैं, ऐसे ही ग्रम्पी, हम लोग फ्योरी, जनवरी के इरासी फर्स्ट एबल वीक में अगेन अपना इम्पोर्टेंट फाउंडेशन वर्ड बैच है, लेके आए हैं आप फिविश लोगों के और लिए। जो स्नैपी, एसएससी ये सारे सीजीएल और वर्ड सीएचएसएल इम्पोर्टेंट हैं। वो 2020 लोग भी चिड़21 जाते हैं, को गुस्सा होते हैं, टारगेट करेगा, चिड़चिड़े होते सारे हैं, एसएससी गुस्सैल होते एग्जाम हैं, का उनको सिलेबस हम हम वहां पे पेट्यूलेंट, कंप्लीट फिविश, करेंगे इरासी एबल, एग्जाम ग्रम्पी वाइज मॉक टेस्ट बोलते हैं, करेंगे जबकि वहां वो पे। लोग जो तो फ्रेंडली गाइस होते हैं जुड़िए रहिए ना, चैनल को, उनके लिए सब्सक्राइब सारे कर वर्ड यूज लीजिए होते अगर हैं। आप जानना चाहते हो अफेबल, कि चैनल पे क्या चल एमिएबल, रहा है। अप कॉर्डियल, टू डेट जीनियल, रहने के लिए बेल ग्रेशियस, आइकन ये सारे जरूर प्रेस वर्ड करिए पेट्यूलेंट जिससे के कि आप हमारे एंटोनिम हो साथ सकते जुड़े हैं। रहें। तो आइए गाइस थैंक नेक्स्ट यू सो मच इलेवेंथ फॉर वर्ड है ज्वाइनिंग अप दी लकी। सेशन। लकी जो होता छह है वो बजे मिलते एडजेक्टिव हैं होता है, अनअकैडमी हिम्मती पे जो लोग फॉर होते हैं, ब्रेव गैप जो लोग टेस्ट होते हैं। जिसमें हम हैविंग अगेन योर 30 शोइंग क्वेश्चंस करने वाले हैं डिटर्मिंड, और 7 PM पे आप डिटर्मिंड, यूट्यूब पे करेजिंग जुड़ेंगे हमारे फेस ऑफ साथ डिफिकल्टी, मैथ ठीक है, जो मॉक टेस्ट वन डिफिकल्टीज के को लिए। तो आराम से बाय फेस कर गाइस, लेते हैं। टेक जैसे केयर एंड ब्रेव, हैव अ ग्रेट डे इंट्रेपिड, अहेड। वेलिएंट, थैंक यू सो मच वलरस, फॉर अटेंडिंग गैलेंट दी और सेशन। ऑडेशियस, ये वो लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा ब्रेव होते हैं। गाइज ध्यान रखो, जैसे हमारी इंडियन आर्मी है वो बहुत ही ब्रेव है, वो प्लकी है, ठीक है। इसके एंटोनिम क्या हो गए, कावर्ड, कोवर्ट, ठीक है, क्रेवन, टिमेट, टिमोरस और गर्टलेस, ये सारे इसके एंटोनिम हो गए, ठीक है। जबकि नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ये रहा एमिलियोरेट। एमिलियोरेट वर्ब होता है, वर्ब इसका मतलब होता है सुधारना, मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्टरी बेटर, किसी चीज को अच्छा कर देना, अमेंड कर देना, बेटर बना देना, इनहेंस कर देना। मीलियोरेट और अपग्रेड इसके सिनोनिम है, जैसे पुअर से फेयर ले गए, फेयर से गुड और गुड से ग्रेट, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, इसको एमिलियोरेट कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं। जबकि इसके एंटोनिम क्या होंगे, डैमेज, स्पॉयल, टर्निश, ब्लैमिश और डिफेस, ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, खराब कर देना। स्पॉयल, टर्निश भी खराब करने के लिए, ब्लैमिशेस होते हैं धब्बे, डिफेस का मतलब आप चीजें गड़बड़ कर देते हैं। चलिए गाइस, 13th वर्ड आज का है रिवर्ट। वर्ब होता है आकर्षित करना, टू अट्रैक्ट और होल्ड समथिंग सच एज अ पर्सन्स अटेंशन कम्प्लीटली, तो अपनी तरफ आकर्षित कर लेने को रिवर्ट बोलते हैं। फैसिनेट, कैप्टिवेटिंग एंड थ्रिलिंग, इंट्रीग्यूइंग, मेस्मराइजिंग और एक और वर्ड होता है एंटाइसिंग, अपनी तरफ आकर्षित कर लेना। तो देख रहे हो आप, मैग्नेट अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है चीजों को। जबकि डिटैच, रिपेल, डिसइंटरेस्टेड, अनॉय, ये सारे इसके क्या हो गए, ये सारे इसके एंटोनिम हो गए, अपने से दूर भगा देना, रजिस्ट करना, ठीक है। आइए सेकेंड लास्ट वर्ड आज का टिंकर। वर्ब होता है मरम्मत कर देना, इसका मतलब होता है मरम्मत का प्रयास कर देना, टू ट्राई टू रिपेयर और इम्प्रूव समथिंग बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस और एडजस्टमेंट टू इट, छोटे से चेंजेस या एडजस्टमेंट करके आप कोई चीज ठीक कर देते हो। जैसे कोई बोल्ट ढीला हो रहा है, उसको आप टाइट कर देते हैं, तो वो क्या होता है, टिंकर कर दिया आपने उसको। तो इसके सिनोनिम देखिएगा, पुटर, मेडल, फिडल, रिपेयर, पडल, ट्विडल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो गाइज आपको केवल वर्ड याद रखना है, सिनोनिम्स थोड़े कम पूछे जाते हैं, रिपेयर आता है सिनोनिम में। जबकि ब्लाइट, डिफेस, बस्ट, ग्रब, ये सारे डिस्ट्रॉय करने को, खराब करने को, ठीक है, डिसरिपेयर करने के लिए यूज होते हैं। तो आपको अगेन ब्लाइट यहाँ से याद रखना है, डिस्ट्रॉय करना, खराब कर देना। तो गाइज आज का लास्ट वर्ड है सिडेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, शांत कर देना, शांत हो जाना एडजेक्टिव होता है। जैसे ये आदमी क्या कर रहा है, सिडेट हो गया है, शांत हो गया है। काम, डिग्निफाइड एंड अनहरीड, जब आप शांत होते हो, काम, कंपोज, इज कॉल्ड सिडेट। जैसे सिडेटरी ड्रग्स खिला दिए जाते हैं या सिडेटिव्स दे दिए जाते हैं, सोला सुला दिया जाता है, तो कंपोज, प्लेसिड, पजेस, सीरीन, ट्रिंकुल, रिकलेक्टेड, ये सारे सिडेट के सिनोनिम्स होते हैं। और एजिटेट, डिसकंपोज, डिस्टर्ब और परटर्ब, एंग्री होना, एंगर, रेज, एजिटेट मतलब प्रोटेस्ट करना, डिकम्पोज का मतलब होता है जब आप कंपोज नहीं होते हो, जब आप क्या करते हो, जब आप बहुत ही ज्यादा एंशियस स्टेट में होते हो, तो वो डिसकंपोजर या डिसकंपोज होता है। और प्रटर्बेशन तो एंग्जाइटी को डिनोट ही करता है। तो यहाँ पे सिडेट भी इंपॉर्टेंट है, इसके एंटोनिम और सिनोनिम्स भी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये थे आज के 15 वर्ड्स जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, हर किसी एग्जाम के लिए आपको याद होने चाहिए। तो गाइज इसी तरह के सेशन अगर आपको देखने हैं, क्योंकि आगे भी हम लोग इसके अभी 3 सेशंस तो मिनिमम लेके ही आएंगे, रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम लोग सेशंस आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको
ऐसे ही और सेशन चाहिए या नहीं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि सारे सेशंस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सेशन को लाइक और शेयर करिए, कमेंट्स में बताइए आपको और किस तरीके के सेशंस चाहिए या इस तरीके के सेशंस आपको और चाहिए। बाकी देखो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं चैनल पर, अगर आपको अपडेटेड रहना है गाइज, वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा टाइम पर मिल पाए। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश बाय आकांक्षा कुमार। सेशन को दो बार देखिएगा, वर्ड्स आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय एवरीवन।